Good morning. Welcome to Crest Science Academy. आज हम जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले जेनेटिक्स होती क्या है उसके बारे में हमें पता करना है. सबसे पहले आपको पता करना है जेनेटिक्स होती क्या है. What is genetics? It is the study of inheritance, and various. The study of inheritance and variation is called genetics. Father of genetics, Gregor John Mendel. Father of genetics, Gregor John Mendel. थोड़ा सा मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं. मेंडल जो एक्चुअल में इनका जन्म हुआ 1822. ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ? 1822. और इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक 7 ईयर काम किया पी प्लांट के ऊपर. किसके ऊपर काम किया? पी प्लांट के ऊपर. क्या जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है ओके. नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं पी प्लांट के अंदर सेवन पेयर होता है क्रोमोसोम. मेंडल ने जो करेक्टर लिए पी प्लांट के ऊपर सेवन करेक्टर लिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से करेक्टर लिए मेंडल. उसके बाद मेंडल ने 1865 में अपना पेपर पब्लिश किया बट वो पेपर ज्यादा पब्लिश ना होने हो पाया क्योंकि मेंडल साहब बहुत सारी बातों के जवाब नहीं दे पाए थे और इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे. उसके बाद 1884 मेंडल की डेथ हो गई थी और मेंडल के जो पेपर्स को दोबारा जो उनकी फाइल्स थी उनको रीडिस्कवर किया गया. तीन साइंटिस्ट थे सन 1919 में उनको डिस्कवर किया और उनके ऊपर 2 ईयर्स काम किया और तब हमें ये पता लगा कि मेंडल जो काम किया है मेंडल ने जो अपने पेपर में जो लिखा है उनकी हर बात पे सारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हैं. ये तो मेंडल के बारे में था. थोड़ा सा 7 वाज द लकी नंबर फॉर मेंडल. मेंडल ने 7 स्पीसीज भी ली थी जिनमें से एक स्पीसीज जो हमारी पाइजन सटिवम गार्डन पी है इसको मेंडल साहब ने सिलेक्ट किया. कई बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे किस पे काम किया कितने क्रोमोसोम है कितने करेक्टर थे कौन सी स्पीसीज ये सारे काम. ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता कोई भी डेट वगैरह. नीट में बेसिकली ऐसा नहीं पूछता. तो ये है एक और थे इनके बाद जो इनके एक्सपेरिमेंट पे जो काम किया वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं उनको. फादर
of experimental genetics, T.H. Morgan. Father of experimental genetics, T.H. Morgan, Thomson Morgan. अब जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है कि इसकी जो डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ देयर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. देखिए आप यहां ये हमारे पास कोई मेल है और इनको क्रॉस कराया हमने फीमेल के साथ. इनके जो करेक्टर इनके जो F1 जनरेशन मतलब इनके प्रोजेनी में गए द ट्रांसफर ऑफ देयर करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ये करेक्टर है इनके जो यहाँ पे मतलब जो इनके करेक्टर आए हैं उनको हम क्या बोलेंगे इनहेरिटेंस. इनका जो करेक्टर है इनके जो प्रोजेनी के करेक्टर माँ बाप से मीन्स पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंस जो है उनको हम वेरिएशन बोलेंगे. वेरिएशन मतलब जो चेंजेज आए हमारे चेंज आए हैं पेरेंट्स से जो चेंजिंग आते हैं उनको उनका उनको हम वेरिएशन बोलते हैं. ये तो हुआ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जीन क्या है. जीन क्या है जेनेटिक्स के बारे में सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे जीन के बारे में. तो सबसे पहले हमें जीन के बारे में पता होना चाहिए. देखो ये हमारे पास डीएनए है डीएनए का सारा पार्ट फंक्शनल नहीं होता. जो पार्ट डीएनए का फंक्शनल होता है ये डीएनए हमारे पास है. यहां बेस पेयर लगे हुए हैं एडेनिन थायमिन साइटोसिन. मान लो यहां से ये डीएनए का फंक्शनल पार्ट ओनली फंक्शनल पार्ट को ही हम डीएनए के ये फंक्शनल पार्ट है. मान लो हमारा इस फंक्शनल पार्ट को जो ये पार्ट है फंक्शनल हमारा इस फंक्शनल पार्ट इस डीएनए के इस फंक्शनल पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं. ऐसे करके बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट रहती है डीएनए के ऊपर इसको क्या बोलेंगे हम जीन बोलेंगे. किसी भी करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं जीन होती हैं. उन्हीं से हमारे करेक्टर में वेरिएशन आता है वही हमारी ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन. तो ये आपको जीन के बारे में पता लगा. अब जीन हमारी बॉडी में अबाउट 30,000 जीन है हमारे बॉडी. जीन के कोई भी जीन फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने प्लांट में जो हाइट के लिए जीन ली थी उसको टी माना था. क्या माना उसको टी. अब जो टी है ये जीन इसके दो दो फॉर्म हो सकती है. एक तो ये इस तरह से हो सकता है कैपिटल टी एक हो सकता है ये स्मॉल. कैपिटल को मेंडल ने डोमिनेंट बोला और इसको रेसेसिव बोला. रेसेसिव वो होता है जो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने आप को. जो अपना जो जो ये जीन है हमारी इसके दो फॉर्म है इन दोनों फॉर्म जो इसकी जो ये फॉर्म है इसको हम एलील बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको एलील बोलते हैं. वन जीन टू एलील्स. एलील डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकते हैं. डोमिनेंट कौन सा एलील होती है जो अपना असर दिखाए तो अपना एक्सप्रेशन शो करती हो. जो अपना एक्सप्रेशन शो करे उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं. जो अपना एक्सप्रेशन शो ना करे उसको हम रेसेसिव बोलते हैं.
which does not show their expression is called recessive. The allele which show their expression is called dominant. जीन के पास तीन तरह से कोई भी एलील ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में क्रोमोसोम है. अगर हम देखें इसके पास टी, दोनों के पास कैपिटल टी, यहां पे ये जीन है. मान लो ये डीएनए क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म को ही हम क्रोमोसोम बोलते हैं. इसके पास दोनों में डोमिनेंट है. इसके पास मान लो ये जो यहां है, ये हमारा इस तरह से टी है, ये हमारा इस तरह से टी है. इसके पास ये है जो ये हमारा स्मॉल टी, स्मॉल टी. तो यहां पे क्या हुआ, ये होगा हमारा इस तरह से. अब ये दोनों यहां पे देखो, ये दोनों रेसिसिव है तो इनको, और ये डोमिनेंट है, इनको बोलेंगे हम होमोजाइगोस. डोमिनेंट और ये क्या है हमारे होमोजाइगस रेसेसिव. होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट. और ये क्या है हमारे हेटरोजाइगस. यहां ना ये है डोमिनेंट ना ये डोमिनेंट है, बट इन केस ऑफ द मेंडल, मेंडल साहब ने कहा कि जो कैपिटल टी है उसको हम डोमिनेंट मान रहे हैं और जो स्मॉल टी है उसको हम रेसेसिव मानते हैं. इस केस में ये हेटरोजाइगस है, होमोजाइगस रेसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है. तो इस केस में ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या है होमोजाइगस रेसेसिव. Which show their expression is called dominant. Which does not show their expression is called recessive. Allele पता लगा आपको. Allele the form of the gene. अब gene की form कैसे हो सकती है, dominant as well as recessive, कोई भी form हो सकती है या फिर दोनों intermix हो सकते हैं, heterozygous condition. मेंडल साहब ने तीन ला दिए थे. पहला जो ला है मेंडल का वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस. दूसरा जो लॉ है मेंडल का वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तीसरा जो लॉ दिया मेंडल ने वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट. हम सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे. आपको पता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. अगर आपको ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट समझ में नहीं आया तो जेनेटिक्स का 90% जो है बेस वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर बताना होता है हमको. क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, कब क्रॉसिंग ओवर होती है, कैसे होती है, सारी चीजें होती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. आज हम जो है लॉ डोमिनेंस पढ़ रहे हैं अभी, और नेक्स्ट मेरे आपके जो वीडियो है नीचे वहां लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है, उससे नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते.
तो सबसे पहले बताओ डोमिनेंस होता क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, मेंडल ने कहा है कि अगर दो जीन है सॉरी दो एलील, उनमें से एक ही एलील क्या करती है अपना असर शो करती है। इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इफ ए जीन विच आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील विच शो देयर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डोमिनेंस और विच डज नॉट शो देयर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रिसेसिव। मान लो आपके पास में होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल डी कैपिटल डी, मान लो अगर कोई चीज कैपिटल है तो हम मानते हैं उसको दोनों कैपिटल है, अगर मान लो उनमें से एक कैपिटल एक स्मॉल मीन्स हेटरोजाइगस है तब भी प्लांट रहेगा टर्न हमारा, अगर इस तरह से रहेगा रेसेसिव केस में तब हमारा ड्वार्फ रहेगा। ड्वार्फ छोटा, इस केस में आपको प्लांट कैसा है टाल है, तो यहां हम लिख देंगे टाल। इसको हमने क्रॉस कराया रेसेसिव के साथ में, मतलब द्वार के साथ क्रॉस कराया। सबसे पहले हमारा ये प्लांट है, तो मान लो ये मेल है दिस इज द फीमेल प्लांट, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे गैमेट बनाएंगे, इसके क्या बनाएंगे गैमेट बनाते हैं। यहां से जो गैमेट होमोजाइगस डोमिनेंट है ये है तो होमोजाइगस रेसेसिव, यहां दो गैमेट बनेंगे हमारे इस तरह से गैमेट बनेंगे, यहां दो गैमेट बनेंगे हमारे इस तरह से बनेंगे, यहां मैं लिख देता हूं गैमेट्स। ये दोनों गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फ्यूज होने के बाद ये गैमेट जुड़ जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल। ये हमारे पेरेंट्स वन है पेरेंट्स वन और ये पेरेंट्स टू, या फिर यू कैन से दिस इज द पेरेंट्स वन दिस इज द पेरेंट्स सेकेंड। पहले आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट था उसको हमने क्रॉस कराया होमोजाइगस रेसेसिव के साथ में, जो रेसेसिव जो ड्वार्फ था टाल प्लांट पर ड्वार्फ साथ के साथ में जो क्रॉस कराया, पहले हमने उनके गैमेट्स बनाए उन गैमेट्स को हमने क्रॉस कराया फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमारा एक पहला प्रोजेनी आया उसको हम बोलते हैं एफ एफ वन या फिर फर्स्ट फीमेल जनरेशन F1, F2, F3 इस तरह से आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये F1 फर्स्ट है जो अब आप देखिए जो F1 आया हमारा हेटरोजाइगस कंडीशन में आया है तो ये ड्वार्फ रहेगा या फिर टाल रहेगा ये देखो। अब यहां से अब देखो आप इस कंडीशन जो हमारी है उसमें टाल प्लांट आता तो सारे प्लांट्स क्या रहेंगे हमारे जितने भी प्लांट्स बने वो सारे टाल रहेंगे। इसको F1 ये आप देखिए F1 हमारा क्या है टाल है। अब इस F1 को अगर हम F1 को F1 के साथ में ये F1 जो हमारा है अगर इस F1 को हम F1 को F1 के साथ क्रॉस कराएं, F1 हमारा क्या है यहां से गैमेट बनेंगे हमारे T और यहां से गैमेट T बनेगा, इसको क्रॉस कराएं यहां से सेम टू सेम गैमेट बनेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि यहां जा सकता है इसके साथ बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है और ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो सकता है। ये देखिए आप बिल्कुल डोमिनेंट है प्योर डोमिनेंट, तो प्लांट कैसा हुआ हमारा क्या हुआ, ये हेट्रोजाइगस है दो ये भी प्लांट कैसा हुआ हमारा और जो ये क्या है हमारे ये हमारे ड्वार्फ। F1 को अगर F1 से क्रॉस कराते हैं तो हम उसको सेल्फिंग बोलते हैं, अभी आपको बताते हैं अगर आप F1 को F1 से क्रॉस कराते हो तो इस प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे इसको सेल्फिंग,
बनेगा क्या हमारे पास F2। हमारे पास F1 क्या था, हमारे पास F1 ये था हेटरोजाइगस कंडीशन। इसको मान लो क्रॉस कराया, देखो अभी हमने F1 को F2 से F2 मिलेगा हमको यहां से, तो यहां हम क्रॉस करा के देखते हैं अभी इसको F1 को, अगर हम F1 से कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां सबसे पहले गैमेट बनेंगे, गैमेट ऐसे बन जाएगा, ये गैमेट यहां बन जाएगा, ये और ये गैमेट अपना यहां से आ जाएगा, ये गैमेट यहां आ जाएगा, उसके बाद इनको फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद मुझे F2 आया, उसकी देखो आप प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये इसके साथ जा सकता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये टाल प्लांट आएगा, ये भी दोनों टाल प्लांट आएंगे और ये ड्वार्फ आएगा। अब जो हमारे यहां से जो रेशियो आया है, एक तो ये आया, दो इस तरह से आए, एक इस तरह से आया, तो 1 2 ये बना है, ये प्लांट है। तो हम इसको देख सकते हैं जीनोटाइप और फीनोटाइप रेशियो क्या है। तो जीनोटाइप रेशियो तो देखो, एक तो हमारा कैपिटल डोमिनेंट प्योर डोमिनेंट आए थे और एक हमारा प्योर रेसेसिव आए थे, बाकी हमारे जो आए हैं हेटरोजाइगस आए थे। तो यहां से इनको हम लिख सकते हैं कि 2:1:1:2:1, दिस इज द जीनोटाइप। इनका जो फिनोटाइप अगर हम देखें, फिनोटाइप में क्या है कि कैपिटल टी कैपिटल टी के क्या है टाल आएगा, ये जो दो है ये भी हमारे टाल आएंगे क्योंकि यहां पे अपना सर ये जीन अपना सर शो कर रही है, और जो हमारे पास में जहां पे कोई भी ये रेसेसिव है प्योर रेसेसिव है तो ये कैसे रहेंगे हमारे ड्वार्फ रहेंगे। टोटल कितना हुआ हमारा 3:1, दिस इज द फिनोटाइप। मतलब फिनोटाइप होता है कि किसी चीज को बाहर से देखने पे जो आपको दिख रहा है वो उसको फिनोटाइप बोलते हैं। अब जब इंटरनल उसके अंदर जो जीन है वो क्या है वो आप नहीं देख सकते, इसलिए उनको जीनो देखो जीनोटाइप, तो उनके जीन टाइप्स ऑफ द जीन कैसे हैं, उनके गैमेट जो मिले हैं उनसे जो आपका जायगोट बना वो जायगोट कैसा है, और फिनोटाइप में क्या है कि जायगोट बना उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ तो कंप्लीटली डेवलपमेंट के बाद में जो प्लांट बना हमारा उस प्लांट को देखने के बाद आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस बोलते हैं, वो कैसा लग रहा है वो देखने में, तो उसको फिनोटाइप।